और भाई और बहनों, क्या हालचाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अरिंदम राव चौधरी के बिट साइड पार्ट वन में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे तीन क्वेश्चंस लिए। पहला क्वेश्चन हमारा फिजिक्स सेक्शन का, दूसरा क्वेश्चन हमारा मैथ सेक्शन का, तीसरा क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री सेक्शन का, जो कि लास्ट ईयर बिट साइड ने पूछा आ चुका है। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन में गौर फरमाते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 20 ओम एंड एट 500 डिग्री सेल्सियस इज 60 ओम। Then at what temperature its resistance equals 25 ohm? इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए इज 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 70 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी इज 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। दैट इज रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट इन टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब मैं इन टर्म्स को डिफाइन कर देता हूँ। रो टी हमारा जो है रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, एंड रो नॉट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टिविटी एट द ओरिजिनल टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे डेल्टा टी हमको दिया हुआ, डेल्टा टी इज टेम्परेचर चेंज, टी हमारा यहाँ पे टेम्परेचर चेंज है। तो एक इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पे कर लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में डेल्टा टी दिया रहता है और टेम्परेचर दिया रहता है, तो आपको यहाँ पर डिग्री सेल्सियस से डिग्री आपको केल्विन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका इक्वेशन में आपका टेम्परेचर दिया हुआ है, तब आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन को उसको कन्वर्ट करने की हमेशा जरूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे हमारे में डेल्टा टी दिया हुआ है, देयरफॉर वी देयर इज नो नीड टू चेंज दिस डेल्टा टी। देयरफॉर हमको यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको उसको केल्विन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आफ्टर वो माइनस ही होने वाला है। ओके, सो देयरफॉर वी ऑल्सो नो दैट आर इज डिफाइंड, दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो इनटू एल बाय ए। देयरफॉर रेजिस्टेंस कैन बी गिवन एज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। सो आर टी कैन बी रिटन एज आर नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हमारे पास अब जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस इज गिवन एज 20 ओम्स, रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस इज गिवन एज 60 ओम्स, और हमको जो टेम्परेचर निकालना है एट विच रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 25 ओम्स। इस इक्वेशन में हम उसको पुट कर देते हैं। आर एट 500 इज इक्वल्स टू आर ऑफ 21 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर 500 का हमारे पास वैल्यू दिया गया 60 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी का वैल्यू 500 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 480। इसमें से अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, डिवाइड करो यहाँ से 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू 480। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 बाय 480 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 240 टेम्परेचर इनवर्स। ओके, हमारे पास ये यूनिट आ चुकी है। अब इसको हम पुट करेंगे फाइनल इक्वेशन में। दैट इज आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू आर ऑफ 20 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसमें जो हमारा इक्वेशन है आर टी का, हमारे पास वैल्यू दिया होगा 25 ओम इज इक्वल्स टू 20 ओम इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 अपॉन 240 सेल्सियस इनवर्स इंटू टेम्परेचर। ओके, डेल्टा टी का वैल्यू हमको निकालना है, यहाँ से डिवाइड करो 1.25 आएगा, 1.25 माइनस 1 करोगे तो 0.25 इज इक्वल्स टू 1 बाय 240 इंटू डेल्टा टी। देयरफॉर द डेल्टा टी वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.25 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 4 इंटू 240 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर नहीं है, हमारे पास डेल्टा टी का वैल्यू है। ओके, सो द फाइनल टेम्परेचर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 60 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फाइनल आंसर। देयरफॉर द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 80 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। If e to the power x plus e to the power fx is equals to e, then the domain of fx is given by, we have given four options for this. Option A is minus infinity to 1, option B is minus infinity to 0, option C is 1 to infinity and option D is none of the above. Okay, हमको जो equation दिया गया है वो ये है, e की power x plus e का power fx equal to e. Okay, तो इसको हम लिख सकते हैं e का power 1, और e का power fx को हम लिख सकते हैं e minus e to the power x. ओके, हम ये जानते हैं कि हम किसी भी नंबर को अगर e की पावर से रेस करेंगे, सो इफ द नंबर इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो दिस कांट यील्ड अ नेगेटिव नंबर। ओके, सो दिस विल ऑलवेज यील्ड अ पॉजिटिव नंबर और जीरो। देयरफॉर जो ये वाली क्वांटिटी आनी चाहिए हमारी, वो हमेशा हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ e माइनस e टू द पावर x मस्ट ऑलवेज बी जीरो और पॉजिटिव। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारा जो रेंज आता है एक्स का, वो हमारा बनता है डोमेन ऑफ एफ एक्स। देयरफॉर द रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एक्स और डोमेन ऑफ एफ एक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू
इसको हमेशा हमको जीरो या फिर पॉजिटिव बनाना है. देयरफॉर जो बाउंड्री कंडीशन हमारी आएगी वो हमारी आएगी माइनस इन्फिनिटी टू वन. देयरफॉर द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए माइनस इन्फिनिटी टू वन. अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का. द लास्ट क्वेश्चन सेज अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन लॉग के वर्सेस 1 बाय टी फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ई ए. द करेक्ट प्लॉट इज गिवन बाय, हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शंस भी दिए गए हैं, चार ग्राफ्स है. ये जो चारों ग्राफ्स है वो लॉग के और 1 बाय टी के ग्राफ्स है. हमको ये डिसाइड करना कि कौन सा हमारे यहाँ से सही ग्राफ आएगा. हमारे पास अरेनियस इक्वेशन है. अरेनियस इक्वेशन इज गिवन बाय के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई का पावर माइनस ई ए बाय आर टी. तो यहाँ पे दोनों साइड लॉग लेने से क्या होगा, लॉग ऑफ के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे लॉग के आ चुका है. इसको हमको कन्वर्ट कंपेयर करना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ. ओके, यहाँ पे जो x हमारा वो है 1 बाय टी. तो हमारे जो यहाँ पे स्लोप आ रहा है, स्लोप कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर. ओके, तो हमारे यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है माइनस ई ए बाय आर, इसमें जो स्लोप आ रहा है हमारा पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, इसमें जो स्लोप आ रहा है वो हमारा नेगेटिव स्लोप है. देयरफॉर द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी दिस ग्राफ एंड दीज टू ग्राफ्स आर इनकरेक्ट. बिकॉज इसके एक रीजन है, क्योंकि दीज आर नॉट स्ट्रेट लाइन्स. हम इसको कंपेयर कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के साथ. बिकॉज लॉग के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए माइनस आर टी. देयरफॉर जब इसको कंपेयर कर रहे हैं हम इसके साथ, तो देयरफॉर वी मस्ट ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज नॉट, दीज आर नॉट स्ट्रेट लाइन्स. ओके, सो देयरफॉर द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, लॉग के एंड वन बाय टी ग्राफ ऐसा बनेगा जो हमारा स्लोप आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर. दैट इज इक्वल टू दिस टैन थीटा मस्ट कम आउट टू बी इक्वल टू टैन थीटा इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ. बाकी तो बस यही बात है, बने रहिए.